दोस्तों, कल से शुरू हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच 3। कल है पहला मैच जो कि खेला जाएगा मोहाली में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे मैच का इंतजार करते हैं अपनी फैंटेसी टीम बनाने के लिए, जिससे जीत सकें वो लाखों रुपए। अगर आप भी फैंटेसी टीम बनाकर जीतना चाहते हैं लाखों रुपए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपनी फैंटेसी टीम बना सकते हैं, कैसे आप अपने बेस्ट प्लेयर को चुन सकते हैं, कौन सा प्लेयर आपको जिता सकता है और कौन सा प्लेयर आपको हरा सकता है। उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी फैंटेसी टीम बनाएं और लाखों रुपये जीतें हर मैच में। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट T20 मैच लाइव। बनाओ अपनी फैंटेसी टीम, जीतो लाखों रुपए हर मैच में। सबसे पहले मैं आपको कल के मैच के टीम शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर हैं जो खेलने वाले हैं और कौन से प्लेयर हैं जो बेंच पे बैठने वाले हैं। तो ये रहा आपके प्लेयर का शेड्यूल। पहला मैच शाम को 7:30 बजे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें इंडिया के जीतने के चांस जो प्रिडिक्शन किए गए हैं वो 61% है और ऑस्ट्रेलिया के जो जीतने के चांस है वो 39% हैं। तो यहाँ पे हम अब टीम की बात करते हैं। इंडिया की जो टीम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, KL राहुल राइट हैंड बैट्समैन है, रोहित शर्मा जो कि राइट हैंड बैट्समैन और इंडिया टीम के कैप्टन है, सूर्य कुमार यादव राइट हैंड बैट्समैन, विराट कोहली राइट हैंड बैट्समैन, अक्षर पटेल राइट हैंड बैट्समैन, साथ में ये स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, मतलब ये ऑलराउंडर हैं। दीपक हुड्डा जो कि एक ऑलराउंडर हैं, साथ बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी हैं। हार्दिक पांड्या राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। रविन चंद्र अश्विन राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। दिनेश कार्तिक राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर है। ऋषभ पंत लेफ्ट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपिंग है जो इंडिया के लिए इस समय कर रहे हैं विकेट कीपिंग। भुवनेश्वर कुमार राइट आर्म मीडियम बॉलर, दीपक चहर राइट आर्म मीडियम बॉलर, हर्षल पटेल राइट आर्म मीडियम बॉलर, जसप्रीत बुमराह राइट आर्म फास्ट बॉलर, उमेश यादव राइट आर्म फास्ट बॉलर, युजवेंद्र चहल राइट आर्म लेग स्पिनर। ठीक है, ये रही इंडिया की टॉप 15 टीम। इसमें सब कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। KL राहुल रोहित शर्मा की जो ओपनिंग जोड़ी है वो खेलेगी, इसके साथ में सूर्य कुमार यादव हैं, विराट कोहली इन सेकंड नंबर पे आएंगे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आएंगे, उसके बाद आएंगे ऋषभ पंत, क्योंकि जो कल के मैच में है वो कल के मैच में विकेट कीपिंग और आपके जो बैट्समैन है वो बैटिंग करने आएंगे ऋषभ पंत, उसके बाद अक्षर पटेल, फिर हार्दिक पांड्या। और बॉलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल आपके बॉलर रहेंगे। ये रही कल की आपकी टीम शेड्यूल। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की। ऑस्ट्रेलियन टीम में देखते हैं कौन कौन से, एरन फिंच कप्तान है, स्टीवन स्मिथ है, टिम डेविड, अस्टन आगर, कैमरॉन ग्रीन, टेनिस सैम, ग्लेन मैक्सवेल, जॉस इंग्लिस, मैथ्यू वेड, एडम जंपा, जॉस हेजलवुड, केन रिचर्डसन, नाथन एल्स, पैट कमिंस, सिम अबॉट। अब इसमें से कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जो इंजर्ड है या अभी दौरे पे आए नहीं हैं, क्योंकि वो T20 के लिए, T20 वर्ल्ड कप जो कि 28 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें से खेलेगा कौन, तो आपको टीम बता देते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की। एरन फिंच है, स्टीवन स्मिथ है, टिम डेविड है, कैमरॉन ग्रीन, डेनियल स्मिथ, ग्लेन स्पेस, जॉस इंग्लिस, मैथ्यू वेट खेलेंगे आपके लिए, एडम जंपा बॉलिंग कर सकते हैं, जॉस हेजलवुड आपके लिए बॉलिंग कर सकते हैं कल के मैच में, केन रिचर्डसन आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, पैट कमिंस कल के मैच में नहीं खेलेंगे, सेम अबॉट आप कल के मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं। बात करते हैं बैट्समैन की। एरन फिंच जो राइट हैंडेड बैट्समैन है, स्टीवन स्मिथ जो आपके राइट हैंड बैट्समैन है, टिम डेविड वो भी राइट हैंड बैट्समैन है, कैमरॉन ग्रीन की बात करते हैं तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलर भी हैं, डेनियल सैम राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर भी है, साथ में ग्लेन मैक्सवेल जो कि महत्तम इस समय ऑलराउंडर में गिने जा रहे हैं, जो कि इसमें IPL में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वो भी राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर भी हैं। मैथ्यू वेड जो कि विकेट कीपर भी हैं, कल के मैच में विकेट कीपिंग करते हुए दिख जाएंगे, साथ में अगर ये विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए विकेट कीपिंग जो करेंगे वो है जॉस इंग्लिस, ये भी एक विकेट कीपर और राइट हैंड बैट्समैन है, साथ में ओपनिंग करते हैं आप एरन फिंच के साथ जो ओपनिंग उतरेगा, अगर कल के मैच में जॉस इंग्लिस खेलते हैं तो कल के मैच में ये ओपनिंग करते हुए आपको दिख सकते हैं। ठीक है, जॉस हेजलवुड जो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, एडम जंपा राइट आर्म लेग स्पिनर आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, साथ में आपको सेम अबॉट राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। ये रही कल की आपकी टीम जो कल आप कल मैच में खेलेगी। अब हम बात करेंगे कि हेड टू हेड कितने मैच ऑस्ट्रेलिया और
और इंडिया के बीच हुए हैं, कितने इंडिया ने जीते हैं, कितने ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हेड टू हेड कुल मैच 23 हुए हैं। भारत ने इसमें 13 मैच जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 9 जीते हैं और एक मैच ड्रा रहा जिसका कोई नतीजा नहीं रहा। अब टी20 मैच की बात करते हैं, कितने हेड टू हेड खेले गए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो कुल 7 मैच खेले गए हैं जिसमें तो भारत ने 4 जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 3 जीते हैं। यानी देखा जाए तो भारत का दबदबा ज़्यादा है मैच जीतने का। अगर आप भी अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही पहले अच्छे से मैच के बारे में एनालाइज कर लीजिए कि किस टीम ने ज़्यादा मैच जीते हैं, किस प्लेयर ने ज़्यादा रन बनाए मैच में, उस प्लेयर के खिलाफ किस बॉलर ने ज़्यादा विकेट लिए, तभी अपनी टीम बनाइए, तभी आप अच्छे से फैंटेसी टीम क्रिकेट टीम तैयार कर सकते हैं और आपके जीतने के जो परसेंटेज है वो बने रहेंगे। और फैंटेसी टीम बनाना कब है वो भी हम आपको बता देते हैं, और किस लीग में जुड़ना है वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो पहले देख सकते हैं कौन कौन से बैट्समैन और कीपर कल के मैच में खेल सकते हैं। जैसा कि हम कीपर की बात करते हैं तो ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, मैथ्यू वेड और जो इंग्लिश आपको दिख रहे हैं कि विकेट कीपिंग में ये सेट आपका रहेगा जो आप टीम बनाएंगे, तो उसमें जो विकेट कीपिंग का सेक्शन रहेगा उसमें ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, मैथ्यू वेड और जॉस इंग्लिश आपको दिखेंगे, जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जॉस इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं, मैथ्यू वेड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडियन टीम से बात करें तो ऋषभ पंत अभी कुछ आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो आप उनके लिए डाउट कर सकते हैं, आपके ऊपर आप सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब मुझे सेलेक्ट करना हो तो मैं जॉस इंग्लिश या मैथ्यू वेड में से किसी एक को करूंगा। जॉस इंग्लिश को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो एरन फिंच के साथ ओपनिंग करने उतरते हैं, हो सकता है रन अच्छे बना दे। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो मैं जॉस इंग्लिश को ही अपना विकेट कीपर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अगर सेकंड इनिंग होती है तो मैं मैथ्यू वेड को सेलेक्ट कर दूंगा विकेट कीपिंग में, क्योंकि मैथ्यू वेड एक अच्छे बैट्समैन है जो नंबर 4 पे आते हैं बैटिंग करने और अच्छे रन भी बनाते हैं। तो आप मैथ्यू वेड या जो इंग्लिश में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बैट्समैन की बात करते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, स्टीवन स्मिथ, एरोज फिंच, लोकेश राहुल, दीपक हुड्डा, टिम डेविड, अब इसमें से बैट्समैन किसको चूज करना है? आप रोहित शर्मा के रिकॉर्ड देख सकते हैं, इस समय एशिया कप हुआ तो फिलहाल में रोहित शर्मा ने लास्ट मैच अगर देखा जाए लास्ट मैच को छोड़ के मतलब सेकंड जो लास्ट मैच था उसमें 72 रन बनाया था, उसके पहले किसी मैच में कुछ खास रन नहीं बनाए थे। तो आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं रोहित शर्मा को, ऑप्शनल है आपके पास, ठीक है। विराट कोहली जो कि अच्छे फॉर्म में, सबसे ज़्यादा रन एक इनिंग में विराट कोहली ने बनाए थे, एक शतक भी इनका है 122 रन का, ठीक है। बाकी सारे मैचों में इनका प्रदर्शन अच्छा था, एक आप इनको कैप्टन भी बना सकते हैं, इनको चूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट चॉइस रहेगी सबकी, आप भी कैप्टन बना सकते हैं। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने एक मैच में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मारी है एशिया कप में अभी, तो इसको आप चुन सकते हैं। स्टीवन स्मिथ जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इस समय, उनको आप अपनी टीम में ले सकते हैं। एरन फिंच को भी आप ले सकते हो, ओपनिंग आते हैं लेकिन अभी कुछ फिलहाल अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप ले सकते हो, ओपनिंग आते हैं कुछ कर लें, ठीक है। लोकेश राहुल भी कुछ खास अभी आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं एशिया कप में, देख सकते हैं एक मैच को छोड़ के बाकी किसी मैच में इन्होंने रन नहीं बनाया है, लेकिन हो सकता है कि अभी इंजर्ड से आने के बाद थोड़े से रिकवर हो रहे हैं, लास्ट मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, ऐसे कैप्टन तो आप इनको चूज कर सकते हैं। दीपक हुड्डा ने कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया एशिया कप में, तो आप इनको चूज ना करें तो बढ़िया ही रहेगा। टिम डेविड ये भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, इनको भी आप नहीं ले तो अच्छा ही रहेगा मेरे हिसाब से, अगर आप अच्छी टीम बनाना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर की, ग्लेन मैक्सवेल, हार्दिक पांडे, अक्षर पटेल, डैन सैम, सीग्रिन। ग्लेन मैक्सवेल को आप ले सकते हैं क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, ये नंबर 3 पे बैटिंग करने भी आते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, आप ये आपके लिए रन और विकेट दोनों लेके दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, मैं तो कहता हूँ इनको जरूर अपनी टीम में शामिल करिएगा। अच्छी फैंटेसी टीम बनाकर अगर आप लीग जीतना चाहते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इसके बाद हार्दिक पांड्या हैं, ये भी अच्छे फॉर्म में हैं, ये भी आपके लिए विकेट और रन दोनों साथ में, ये अच्छे फील्डर भी हैं तो आपके लिए रन भी बचाएंगे, आपको पॉइंट्स ज़्यादा दे सकते हैं, तो इनको भी आप जरूर अपनी टीम में शामिल कर दीजिएगा। अक्षर पटेल अभी फिलहाल उनको ज़्यादा चांस नहीं मिला था, लेकिन ये भी फॉर्म में है थोड़े बहुत, आप इनको ले सकते हैं अपनी टीम में। डेनिस टाइम्स को आप ले सकते हैं, ये भी अच्छे ऑलराउंडर है, ये भी बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, ठीक है, तो आप इनको भी ले सकते हैं। बॉलर की बात किया जाए, जेम्स हेजलवुड विश्व के बेहतरीन बॉलर में से एक गिने जाते हैं, जेम्स हेजलवुड, तो आप इनको जरूर लीजिएगा, इनको मत छोड़िएगा। जसप्रीत बुमराह जो कि इस समय एशिया कप से या इंडिया टीम से बाहर चले थे, उनकी वापसी हो चुकी है और सबसे ज़्यादा लोगों ने इन पर दाव लगाया है, जसप्रीत बुमराह पे, क्योंकि बहुत समय से ये बाहर थे और डेथ ओवर के किंग भी कहे जाते हैं,
और साथ में यॉर्कर किंग भी कहे जाते हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। जसप्रीत बुमराह को बिल्कुल मत छोड़िएगा, इनको लेना है। ये भुवनेश्वर कुमार पे आप दाव लगा सकते हैं। एशिया कप में सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर यही थे भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 11 से 12 विकेट लिए थे। अपने लास्ट मैच में इन्होंने 5 विकेट भी चटकाए थे। हल्का रन दे दिए थे इन्होंने ज़्यादा, लेकिन विकेट निकाल लिए थे। पैट कमिंस भी एक अच्छे बॉलर है, आप इनको भी ले सकते हैं। एडम जंपा जो आपके लिए बैटिंग भी कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो बैटिंग भी कर सकते हैं, और साथ में स्पिनर बहुत अच्छे हैं, आप इनको भी ले सकते हैं अपनी टीम में। युजवेंद्र चहल जिन्होंने एशिया कप में कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन रन थोड़े से रोक लिए थे, तो हम तो कहेंगे कि अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर छोड़ सकते हैं। मोहम्मद शमी जो टीम से बाहर चल रहे थे, अच्छे बॉलर हैं, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है IPL में भी, और अभी जो फिलहाल में मैच हुए थे उसमें भी, साथ में ये बैटिंग भी अब कर ले, तो आप इनको जरूर लीजिएगा। अगर कल के मैच में ये अगर खेलते हैं युजवेंद्र चहल या हर्षल पटेल की जगह, तो आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं हर्षल पटेल की जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बॉलर हर्षल पटेल, आर अश्विन, ए अगर, उमेश यादव, इनमें से अभी कोई भी बॉलर फॉर्म में नहीं है, तो आप इन पे दांव नहीं लगा सकते। अगर ये आप लेते हैं तो कोई इनका ठीक नहीं है कि ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे, हो सकता है ज़्यादा रन भी दे दें आपको, आपको लीग से बाहर भी कर सकते हैं, आप मैच हार भी सकते हैं, साथ में अपने पैसे भी डुबा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने रिस्क पे इनसे किसी को लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दीपक चहर एक अच्छे बॉलर हैं, आप इनको ले सकते हैं। इनको लास्ट मैच में मौका मिला था जिसमें इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, आप इनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। के रिचर्डसन को भी आप अपने टीम ड्रीम इलेवन टीम में शामिल कर सकते हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए, अगर मैं ड्रीम अगर मैं बनाऊंगा, तो उसमें मेरे जो विकेट कीपर रहेंगे वो जॉश इंग्लिश और मैथ्यू वेट को मैं जरूर सेलेक्ट करूंगा। बैट्समैन की बात की जाए तो विराट कोहली, KL राहुल, रोहित शर्मा, स्टीवन स्मिथ को मैं अपनी टीम में शामिल करना चाहूँगा। साथ में ऑलराउंडर से बात की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या, ये टीम में मेरी रहेंगे, ठीक। अब बॉलर से बात करें, जेम्स हेजलवुड, जसप्रीत बुमराह, अगर पैट कमिंस खेलते हो तो पैट कमिंस मेरी पहली पसंद रहेंगे भुवनेश्वर कुमार की जगह, ठीक है। स्पिनर की बात की जाए तो एडम जंपा मेरी पहली पसंद रहेगी, जितिन चहल की जगह, ये रहेगी मेरी ड्रीम टीम। अगर मैच कल के मैच में अगर जीतना चाहूँगा तो मेरी ड्रीम टीम यही रहेगी। अगर आप भी ड्रीम टीम बनाना चाहते हैं तो ऐसी ही सर्कुलर टीम बनाइएगा, पहले प्लेयर के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, फिर उसके बाद ही टीम बनाइएगा। अगर आप नए हैं तो मैं कहूँगा कि आप हेड टू हेड खेलिएगा, बड़े मैच में ना जाइएगा, बड़े स्पॉट में ना जाइएगा, छोटे स्पॉट में खेलिएगा, हेड टू हेड खेलिएगा, और लास्ट में जब टीम अनाउंस हो जाए तब आप मैच ज्वाइन करिए। क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि जो नए लोग होते हैं वही टीम ज्वाइन करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो 4 से 5 घंटे पहले अपनी टीम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप हेड टू हेड खेलने जा रहे हैं तो जब मैच शुरू होने वाला हो उससे 10 मिनट पहले जब टीम अनाउंस हो तभी आप टीम ज्वाइन करिएगा, उसमें आपके जीतने के चांस जो ज़्यादा रहेंगे वो ज़्यादा अधिक रहेंगे, ठीक है। और क्यों रहेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो लास्ट के रहते हैं उसमें बस टीम ज्वाइन करनी रहती है, जो नए लोग रहते हैं वो फटाफट टीम ज्वाइन कर लेते हैं। आपको बस ये चेक करना है कि वो कितने मैच खेला हुआ सामने वाली जिस जो टीम है हेड टू हेड में कितने मैच खेला है, कितने परसेंटेज है उसके मैच जीतने के, और आपके कितने विनिंग परसेंटेज है। अगर आपके विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है उससे कम है तो आप तुरंत उस मैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस स्पॉट को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके जीतने के चांस 90% रहेंगे, ठीक है। अगर आप पहले ज्वाइन करते हैं तो पहले पूरे सामने वाले प्लेयर की पहले पूरी हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा कि उसने कितने जीते हैं। मैक्सिमम लोग का जो विनिंग परसेंटेज होता है वो 30 से 40 के बीच में रहता है, लेकिन जो रेगुलर खेलते हैं उनके विनिंग जो परसेंटेज होते हैं वो 60 से 70 के बीच रहती है। अगर ऐसे लोगों ने स्पॉट ज्वाइन किया तो उसमें बिल्कुल ना जाए। अगर आप नए हैं, अगर रेगुलर खेल रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप नए हैं तो ऐसे स्पॉट में ना जाएं, आप हार सकते हैं, ठीक है। तो अपनी ड्रीम टीम बनाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, हम ऐसे ही टिप्स आपके लिए लाते रहेंगे। अभी तो मैच शुरू होने वाले हैं, ये तो अभी T20 सीरीज है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाले हैं। अगर आप भी जीतना चाहते हैं हर मैच में लाखों रुपए, तो हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए अभी, ठीक है। तो आप भी हर मैच में प्रिडिक्ट करके अपनी ड्रीम टीम बना के लाखों रुपए जीत सकते हैं, बहुत सारे लोग जीत रहे हैं और आप देख भी सकते हैं डेली वहाँ पे विनिंग अनाउंस होता है। YouTube पे बैन है, नहीं तो मैं भी अपने विनिंग अमाउंट दिखाता कि अब तक मैंने कितने रुपए जीते हैं, लेकिन YouTube ने अपनी विनिंग अमाउंट दिखाने से मना कर दिया है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन
हम भी जीत रहे हैं अब तक। मैंने भी बहुत सारे मैच खेले हैं, बहुत रुपए जीते हैं, तो आप भी अभी अपनी ड्रीम टीम बनाइए और जीतिए। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे टीम बनाई जाती है। मैं भी पहले नया था, मैंने भी देख देख के लोगों से सीखे हैं, अब वही एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे आप अपनी ड्रीम टीम कैसे बना के, फैंटेसी टीम बना के कैसे जीत सकते हैं। ड्रीम इलेवन, हाउस एट, MPL, माई सर्कल, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे क्रिकेट टीम बना के आप लाखों रुपए जीत सकते हैं घर बैठे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा।